हिचाल तुरु तुरु उड़ती केस भुरु भुरु डाव्या डोड्या बरबट ढडली जैसे मिले के बाद जाबर और ये दोनों लोगों ने देखा कि मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करवा रही, तो आके रुक गए कि हम भी आके खड़े होंगे और पीछे से बोलोगे तो जैसे हाथ हिलाते हैं ये सब वीडियो जाएगा। The point is कि बहुत सारे लोग ना ललन टॉप के ऑफिस में आना चाहते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उनको लगता है कि ललन टॉप में कितना मजेदार काम होता होगा। आज हम आपको ब्लॉग में दिखाएंगे कि जब आप नया नया यहाँ ज्वाइन करते हैं तो आपके साथ क्या होता है। राइट, आर यू गाइस रेडी? गाइस, ये हमारी नई कलीग है, इसका नाम निहारिका है और ये थोड़ा सा आप लोगों ने अभी इसको बहुत ही वेलकम फील नहीं कराया है, इसलिए आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको निहार का कहीं भी दिखे आप सबसे पहले उसको ग्रीट करेंगे। क्या करेंगे? ग्रीट करेंगे, हेलो हाय आपकी, हाँ बड़ा कम भी बोल सकते हैं, व्हाट्सअप व्हाट्सअप, ये आया हमारा सस्ता जेन ज़ी। भाई मित्रों, आप सब लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं जिसकी वजह से अमित सोनी का KRA अच्छा हो रहा है, आप सबको बधाई। और हमारे ऐप के डाउनलोड की स्पीड भी अच्छी हो रही है, इसके लिए जाहिर सी बात है कि एडिटोरियल के लोग, प्रोडक्शन के लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। ललन टॉप अड्डा बहुत ज़्यादा सफल रहा है, अमित सोनी ने मेरे साथ ऐप डाउनलोड के रजिस्ट्रेशन के नंबर शेयर किए हैं जो कि फिनोमिनल है टू से द लीस्ट, और इसके लिए आप लोगों को बधाई। आप लोग दूसरों की ताली बजाते हैं, प्लीज क्लैप कर सकते हैं। एक बड़ा अच्छा चलन है ललन टॉप में जो पिछले कई समय से नहीं हुआ था कि जो नए साथी आते हैं और मचलते हैं, साहब हम गाना बहुत अच्छा गाते हैं, आप हमें गाने का मौका नहीं दे रहे हैं, तो ये बड़ी नाइंसाफी होगी कि ललन टॉप देश भर की प्रतिभाओं को मौका देता है लेकिन अपनी इन हाउस प्रतिभाओं को जो गाने के लिए मचल रहे हैं। ये हमारे नए साथी हैं आलोक, अंकित है ना, ये और असद है, दीपक है, ये लोग चारों लोग मिलके एक आइटम सॉन्ग गाएंगे। ये लोग कई दिनों से इसकी तैयारी कर रहे थे, एक दिन मुझे कॉरिडोर में मिल गए चारों, मैंने कहा तुम लोग एक साथ कहाँ जा रहे हो, बोले हम स्वयं घोषित स्वयं अपॉइंटेड फन कमांडो है ललन टॉप के और हम चारों लोग अगले जलसे में एक आइटम सॉन्ग या तो कैबरे या एक आइटम सॉन्ग करना चाहेंगे आप चारों लोग। अच्छा, इसमें आप में से कोई इससे मुक्त होना चाहता है कि यार मुझे नहीं करना है? अच्छा, तो इसमें हाँ निहारिका, इसका बड़ा सुंदर सा रूल है कि आपके 6 वीकली ऑफ कैंसिल होंगे और आप कोरोना से बच सकते हैं, तो आपको 6 वीकली ऑफ कैंसिल और बहुत जल्दी जल्दी होगी काउंटिंग डे प्लीज। मराठी में पानी थीम थीम काड़ा छोटा सा। अच्छा, ये फरमाइशी भी शुरू हो गया। हिचाल तुरु तुरु उड़ती केस भुरु भुरु डाव्या डोड्या बरबट ढडली जशी मावड़िया ता उनात केवड़िया चा बनात नगीन सड सडली इत्था कोड़ी आस पास ना डोड्या चा कोनात हास ना तू जरा माझ्याशी बोल ना ओठाची मोहर खोल ना। तू लग बग जाता मत मग वडू ना पाहता वाट पावला ताड़ घडली जशी मावड़िया ता उनात केवड़िया चा बना तनगीन सड सडली। सर गजल सुना दूं फैज की, गाना सच में नहीं आता, कोई लिरिक्स ही आता। अरे ये तो मैं सोच रहा था यार, ले आओ। अरे नहीं, ये
तुम्हें देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होठ, उम्र जिनके तसव्वुर में लुटा दी हमने, तुझ पे उठी है मेरी जान वो खोई सी साहिर आँखें, तू जानता है उम्र क्यों गंवा दी। बाकी सब तो ठीक है, पर तुम्हारे ये जो शेर हैं ये वंदे मातरम एक्सप्रेस पर क्यों सवार है, थोड़ा आराम से भी बोल सकते हैं। जी आकांक्षा। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या बात है, वाह नहीं आज आधी जंग तो तुमने हिम्मत करके जीत ली। झूमने लगेगा आसमान कहता है मन और मचलता है तन मेरे साजन। ये चल मुझे बहुत नर्वस लेकिन गाना पूरा गाइए। पानी पिला पिला के मारूंगा। में हम लोग यही सीखते हैं कि किसी भी तरह की परिस्थिति आई हमें झिझक से पार पाना है, ये पूरी एक्सरसाइज उससे जीतने की है। देखो अभी जैसे निहारिका तो 6 महीने से काम करी, कैसे झिझक को दूर किया। आ गया अब तो कैंसिल हो गया, पार्टी चाहिए होगी। और सुनो इनकेस तुम्हें डाउट लग रहा हो तो यहाँ पे जो तमाम लोग खीखी कर रहे हैं ना, इन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग रखी हुई है, वो भी तुम्हें दिखाई जा सकती है। यमन और श्वेतांग शेखर ने बेबी डॉल पे परफॉर्म किया। ये है यमन, श्वेतांग ने तो यार लामनी भी किया, तो नाचा भी है, तो क्या करे सर, अभी होता है। चलो जल्दी 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 हटा दे। हमको मन की मन की शक्ति दीना मन विजय करे दूसरों नहीं बढ़िया बहुत बढ़िया दूसरों की जैसे। अरे कविता नहीं पढ़नी, कविता नहीं पढ़नी दीदी, बहुत बढ़िया गा रही हो, यकीन मानो थोड़ा साथ में गाओ यार, हम लोग कैसे हो। ये आपके लिए भी और बाकियों के लिए भी सबक है कि जहाँ कहीं भी हमारे साथी थोड़े से ठिठके या झिझके तो साथ जुड़ जाइए, ठीक है। हाँ भाई कैमरे और सबसे आखिरी में हम सब लोगों के सम्मानी और प्यारे नौजवान मित्र राजेश जोशी जी। इस बड़े युवा न्यूज़ रूम में मुझ जैसे बुजुर्ग को आप इतनी कितने सब खुश हो रहे हैं, गहरा शांति से सुन रहे हैं। इसने मेरी मेरा आइडिया चुरा लिया था तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। फैज की एक नज़्म सुना सकता हूँ जो मुझे याद, तसल्ली से सुनाएंगे। चलिए इरशाद। और ये सब आपको मालूम है, आप लोगों ने सुनी हुई है, लेकिन फिर भी सुनिए क्योंकि अब फंसा दिया उन्होंने। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है,
तेरी आंखों से आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या। और ठीक है, यहीं पे मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई और इसके आगे का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और आखिरी बोले चूड़ियां, बोले चूड़ियां, बोले चूड़ियां, बोले चूड़ियां। हां डांस अच्छा था, हां सोना की डिमांड, फिर बोले चूड़ियां। और तुम्हारी एनी वर्ड दोस्त भी यही चाहती है, चाहती हो ना? हां अब तो वो चाहेगी। I don't know what to say. I mean, I have never thought ki I would be asked to give this speech over here. Not more, I can say that for the place I'm going, I didn't need to give any kind of interview or anything just because I'm working at this place, wow. Which says a lot about it. So thank you to everyone. उसूल है कि संगीतमय प्रस्तुति से अड्डा खत्म होता है, इसलिए मैं हर्षिता जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो बोले चोड़िया पे गाना गाए। वैसे तो जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करे अल्फाज मेरे, बट स्टिल। और प्लीज कोई भी कोरस में साथ में ना गाए, उनको डिस्टर्ब होता है। करोगे आप बिल्कुल जैसे हर्षिता सबको, आपने देखा निहारिका जी कर्मा कैसा होता है, अभी ये 3-2-1 कर रही थी। मेरा पहला 3-2-1 भी इन्होंने ही किया। 1-2-3 गो। बोले चूड़िया बोले कंगना हो गई तेरी साजना, तेरे बिन जियो नहीं यूं लगता, मैं तो मर जावा, ले जा।